हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से यानी कि एनबीएस की तरफ से नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसके अंदर मक्की मैं हेल्पर ग्रुप सी की पोस्ट निकली हुई है। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी बात करने वाले हैं। क्या कुछ इसके बारे में पूरी डिटेल है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगे गए, एज क्या रखी गई, फीस क्या रखी गई है, फुल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हुआ यानी कि आपको फॉर्म भरने से लेकर आपको जॉब लेने तक किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, अप्लाई करने की डेट एग्जाम डेट क्या रखी गई है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी जब आप एज अ मैस हेल्पर ज्वाइन होते हैं, और जॉब प्रोफाइल क्या मांगा जी, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा और जॉब लोकेशन कहाँ पर होगी, ठीक है। तो पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो पोस्ट का नाम है मैस हेल्पर। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया के विद्यार्थी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं खुद एज अ एन बी एस में जे एस ए वर्क कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय धेमाजी असम, तो आपको डिटेल में पता अच्छे से बता सकता हूँ कि मैस हेल्पर का काम क्या होता है, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि क्या काम करते हैं वो, किस तरीके से वर्क प्रोफाइल होता है, किस तरीके से लाइफ उनकी होती है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर दोस्तों एन बी एस से रिलेटेड मैं ढेर सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर द एग्जाम हेल्पर पर जाके आप देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए, ठीक है। ये 2019 का जेएसए का प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लिया, 2022 का कट ऑफ डाल चुका हूँ, ठीक है। एमटीएस के बारे में पूरी डिटेल है, जेएसए के बारे में और बाकी जो ऑल अदर 13 पोस्ट है उनके बारे में भी पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। दोस्तों आपका एनबीएस के 2022 और 2019 में जो भी प्रोसेस हुई थी वो आप मेरे चैनल पर जाएंगे द एग्जाम हेल्पर पर, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर एनबीएस की प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें 174 वीडियो है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इन वीडियोस के साथ जाकर उनका टाइटल पढ़ के उनसे जो है जवाब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मैं हालांकि आपको डे बाय डे इनके जवाब देते रहूंगा, फिर भी अगर आपको पहले से जाना है तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करा चुके हैं एनबीएस का, जेएसए का 9 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का, साथ ही साथ ऑल 3 शिफ्ट के कंप्यूटर प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। और आगे आने वाले वीडियोज जो मैथ हेल्पर का प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, और भी जितनी भी एनबीएस के अंदर पोस्ट निकली हुई है उन सभी में जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, या आने वाले मैं आपको जो तैयारी कराऊंगा जीके जीएस कंप्यूटर की हिंदी की, तो उसकी जो सारे वीडियोज हैं वो आपको मेरे सेकंड चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके पर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सभी चैनल्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों पोस्ट हमने देखी कौन सी थी, मैथ हेल्पर। नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि पद की बात कर ले तो दोस्तों पद निकले हुए 442, जिसमें यूआर के 216 हैं, ईडब्ल्यूएस के 44 पद हैं, ओबीसी के 43, एससी के 106 और एसटी की 33 वैकेंसी निकली है। ओएच की 4 हैं, वीएच की 4 हैं, एचएच की 6 हैं, अदर्स की 4 हैं और एक्स सर्विसमैन की 44 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगे, तो आपके पास कोई भी विद्यार्थी जिसके पास 10th पास है और साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वर्किंग इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैस या स्कूल्स मैस एंड पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एमबीएस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको 10th पास चाहिए, दूसरा आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में या मैथ्स में, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। और आपको एक स्किल टेस्ट पास करना होगा जो कि एनबीएस के द्वारा आपको कराया जाएगा, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एज क्या मांगी गई है, तो दोस्तों एज रखी गई है 18 से 30 साल। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एस सी एस टी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। फीस की बात कर ले, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये रखी गई है, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडीस के लिए 500 रुपये फीस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जो कि ऑनलाइन पेपर आपका होने वाला है, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले पेपर हो जाएगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा जो कि एनबीएस के द्वारा लिया जाएगा, जहां पर आपको जो किचन हेल्पर होता है, जो मैस हेल्पर होता है, उससे रिलेटेड स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा प्रैक्टिकली रूप से, ओके। चलिए दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं मैथ हेल्पर की, कि किस तरीके से इसका पेपर आता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनबीएस मैथ हेल्पर के 87 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जिसे लगाकर, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे जिसे लगाकर आप ये पहले से ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस का लेवल रहता है। तो अगर आपको ये परचेस करना है, इसके अलावा जितने भी फॉर्म आप भरने वाले, जैसे हो गया है ना, फीमेल स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कैटरिंग असिस्टेंट हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं आपको टेस्ट बुक की ऐप में ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप
उसका परचेज पास पर जो आपका टेक्स्ट बुक का पास है उसे परचेज कर लेना। अभी इस पर मार्चिंग सेल चली है 17 से 19 मार्च के लिए, ठीक है, जिसमें जो 699 का पास है आपको 349 में मिल जाएगा। जब आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डालेंगे तो इस पर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे परचेज कर लेना, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में 18,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको इसी एक पास के अंदर मिलते हैं, ठीक है, ये तो मिलेंगे मिलेंगे, और इसके अलावा 18,000 से भी ज़्यादा और जितने भी मॉक टेस्ट हैं सभी आपको इस मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। ओके, चलिए एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात कर लें तो देखिए, फॉर द मैथ्स हेल्पर आपके एग्जाम में पार्ट वन रहेगा जिसमें रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। पार्ट टू रहेगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। इसके बाद लैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश, जिसे 10 10 मार्क्स आएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें फूड न्यूट्रिशन हाइजीन रेसिपीज ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। टोटल आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की रखी गई है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रखा गया। अगर आपको ये पूरा सिलेबस किस तरीके से पेपर आया था लास्ट ईयर चाहिए तो आप मॉक टेस्ट लगा के इसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अप्लाई करने की डेट या एग्जाम डेट क्या रखी गई है, तो इसकी जो एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट है अप्लाई करने की जून 2024 में रखी गई है ना। नोटिफिकेशन इसका ऑलरेडी आउट हो चुका है। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में इसका जो है एग्जाम नोटिफिकेशन जो अप्लाई करने की डेट है वो देखने को मिल जाए, बट पूरी उम्मीद है कि जून 2024 में ही आपको देगा, क्योंकि आपको मालूम है चुनाव चल रहे हैं। सैलरी की बात कर ले तो लेवल 1 की पोस्ट है, 18,000 बेसिक पे है, और जो इन हैंड आपको जो सैलरी मिलेगी इसकी वो 32K से ऊपर रहने वाली है आपकी पर मंथ सैलरी, ठीक है। चलिए जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशंस की बात कर ले तो दोस्तों जॉब लोकेशंस आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। जॉब प्रोफाइल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये किचन है, ठीक है, तो ये कुक होता है ना, ये कुक है ना, आप जो इनके पीछे खड़े हैं ये हेल्पर होते हैं, जो कि इनकी मदद करते हैं, आटा वगैरह लगाना हो गया है ना, सब्जियों की कटिंग करना हो गया, या किचन की साफ सफाई करना हो गया, ये भी आपको एक काम होता है, ठीक है। इस तरीके से ये काट रहा है वेजिटेबल्स को, या फिर जो मैश होती है आपकी, देखिए यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं, ये आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, मैस के, तो इनको पानी वगैरह देना है ऐसे, है ना, इनकी जो प्लेट्स वगैरह हैं उसके लिए सब्जी वगैरह जो कम पड़ रही है तो वो भी काम इनको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे आपके मैस हेल्पर के काम होते हैं जो कि आपको करना पड़ते हैं, बच्चों को खाना वगैरह सर्व करना भी आपका ही काम रहता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर मैंने पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि मैस हेल्पर की जो परफॉर्म करता है वेरियस क्लीनिंग करता है, ठीक है, मेंटेनेंस करता है, प्रेपरेशन करता है, स्टॉकिंग ड्यूटीज, स्टॉक की ड्यूटी करना, कितना मसाला है, कितनी प्याज है, कितना सामान है, कितनी सब्जी बची हुई है ना किचन में के अंदर, है ना, रेस्टोरेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स के अंदर भी काम करते हैं, नर्सिंग होम हो गए, है ना, दे वॉश डिशेज भी आपको धोना पड़ सकती है, कुक्स जो होता है उसकी हेल्प करनी पड़ती है खाना बनाने में, क्या क्या इंग्रेडिएंट लेंगे, है ना, क्लीन करना पड़ता है किचन्स को, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। जॉब लोकेशन मैंने बना दी, ऑल ओवर इंडिया आपका रहने वाला है। दोस्तों मेरे द्वारा आपको GK GS कंप्यूटर हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और प्रीवियस का पेपर एंड कट ऑफ जल्द ही मैं लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ बेस्ट बुक एंड टीचर कौन से रहने वाले हैं और डिटेल सिलेबस इसका जल्द ही मैं लेके आने वाला हूँ। और इसकी जो प्रीवियस की कट ऑफ वगैरह है पेपर वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो चला और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।